मैं अमरेश कुमार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने फर्स्ट जो यूनिट का जो वीडियो था ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुका है और बहुत डिटेल से कंप्लीट किए हुए हैं, और उसी कड़ी में जो है हमारा सेकेंड यूनिट का जो हमारा सिलेबस है उसको हम बताएंगे आप लोगों को, और डिटेल से बताएंगे कि क्या एग्ज़ाम के पॉइंट से कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे VFA एंट्रेंस एग्ज़ाम को। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में क्या है आपका, मुगल और दक्षिणी शैली को पढ़ना है, मुगल और दक्षिणी शैली को पढ़ना है, जिसमें से हम बात करेंगे पहले मुगल शैली की, कि मुगल शैली को पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान देंगे, चित्रकार कौन कौन से थे, शासक कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हम दिखा दें आप लोगों को कि जो मुगल स्कूल है, मुगल स्कूल का जो टाइमिंग पीरियड रहा है वो 1526 से लेकर 1857 तक रहा है, 1526 से लेकर 1857 तक रहा है आपका। या 1526 क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो मुगल शासक थे वो आपके ईरान से आए हुए थे। कहाँ से आए थे, तो ईरान से आए हुए थे, और सबसे पहला जो शासक होता है वो होता है बाबर। बाबर जब 1526 में आता है तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो है इब्राहिम लोदी से जीत जाता है और आके जो है भारत में आपका मुगल वंश का स्थापना करता है। और देखेंगे तो मुगल वंश के जो बात हम करें तो मुगल की अगर हम बात करते हैं तो बाबर अपने साथ क्या लाया था, उसकी आत्मकथा क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे कि बाबर की आत्मकथा क्या थी। तो बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ईरान में हुआ था। कब हुआ था, 1483 में हुआ था आपका, 1483 में जो है आपका बाबर का जन्म हुआ था। और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि आपका 1526 में बाबर जो है भारत का शासक बनता है और मुगलों में पहला शासक होता है आपका, यानी कि अगर तो मुगल वंश का नींव रखता है, यानी कि बाबर ने मुगल वंश का नींव रख दिया आपका। और कब तक इसका शासन चला, तो 1526 से लेकर 1530 तक चला, यानी कि आप 26 और 4 वर्ष तक तो है इसने शासन किया, यानी कि बाबर जो है 4 साल तक जो है शासन किया। अब देखेंगे बाबर का जो मकबरा था, जैसे जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, जब बाबर का मकबरा कहाँ था, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक था जिसकी 2 बार मकबरा बनाए गए थे। तो सबसे पहले जब बाबर था तो उसका मकबरा पहले आगरा में बनाया गया, कहाँ बनाया गया था, आगरा में बनाया गया था, फिर पुनः उसको जो है काबुल यानी कि अफगानिस्तान में उसका जो है दूसरा मकबरा बनाया गया था। ये एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी जाता है आपका, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, यानी कि बाबर के जीवन काल को पढ़ना है, बाबर के समय के कलाकृतियों को पढ़ना है, बाबर के समय के चित्रकार को भी आपको अच्छे से। सेकेंड में हम अगर बात करें तो आपका आता हुमायूं, यानी कि बाबर का पुत्र जो है आपका हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं जो है दूसरा शासक होता है, यानी मुगल का दूसरा शासक होता है। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, क्या होता है आपका, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। अगर इसकी बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था, तो 1508 में हुआ था, और इसकी मृत्यु जो है 1556 में हो जाती है। कितने कब होती है, इसकी मृत्यु जो है 1556 में हो जाती है, यानी कि अगर शासन काल की बात करें तो हुमायूं एक ऐसा शासक था जो 2 बार शासन किया हुआ है, जिसमें देखेंगे एक जो शासन करता है वो 1530 से लेके 1540 के बीच में होता है। कब होता है, 1530 से लेके 1540 के बीच में करता है, दूसरा आपका जो है 1555 से लेके 1556 के बीच में इसका शासन कर रहता है। और इसकी अगर मकबरे की बात करें तो इसका जो मकबरा कहाँ पे आपका है, तो दिल्ली में है। इसका मकबरा कहाँ पे है आपका, दिल्ली में। और हुमायूं एक ऐसा शासक था जो दिल्ली में दीन ए पना यानी कि दीन ए पना जो है नगर की स्थापना भी किया था। और हुमायूं के समय ही 2 आर्टिस्ट आपके आते हैं, मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली, ये 2 आर्टिस्ट आपके हुमायूं के समय आते हैं और यहीं से कला की शुरुआत भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका देखेंगे तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी को अच्छे से आपको अध्ययन करना है, यानी कि हुमायूं के समय के हम लोग 2 आर्टिस्टों को पढ़ेंगे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी, इन आर्टिस्टों को अच्छे से पढ़ना है, खास करके इनकी उपाधियों को पढ़ना है कि इनको उपाधियाँ क्या कौन कौन सी थी, इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। ये आपका रहा हुमायूं की बात। अब आता है हुमायूं का जो पुत्र होता है वह अकबर। तो अकबर ही एक ऐसा शासक था जिसको महान कहा गया है। क्या कहा गया है, अकबर को महान कहा गया है। और अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर ही एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो हिंदू और मुस्लिम को दोनों एक साथ को लेकर चलने का प्रयास किया था। और इसके समय में हिंदू और
मुस्लिम चित्तगा दोनों साथ एक साथ काम कर रहे थे, और इन्होंने ही अकबर ने ही एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म का उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ कार्य कर सके। और इनके समय के बहुत से आर्टिस्ट आपके आते हैं, इसको हम आपको अच्छे से अटेंड करना है। अगर इसकी हम टाइमिंग की बात करें, अगर जन्म की अगर बात करें, तो 1542 से लेकर 1605 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसका शासन काल कितना रहता है भारत में, तो 1556 से लेकर 1605 तक जो है अपना शासनकाल चलाता है भारत में आपका। मुगलों का जो है तीसरा शासक होता है आपका अकबर। अगर अकबर के हम मकबरे की बात करें, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके मकबरे की बात आती है, तो अकबर के मकबरे के बारे में पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में, और सिकंदराबाद कहाँ पर है, तो आपका आगरा में है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और आपके अकबर के समय का, अकबर के समय का अगर हम बात करें, तो एक चित्र बहुत ही फेमस है जो कि एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। बाबर जो है सोन नदी पार करते हुए, एक आप क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाबर जो है सोन नदी पार करते हुए किसका दृश्य है और किस कलाकार ने इसको बनाया था, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये दृश्य किसका है, जगन्नाथ का है। किसका आपका है, जगन्नाथ। एक जगन्नाथ आर्टिस्ट होता है जो इनका चित्र, यानी कि बाबर क्या कर रहा है, सोन नदी को पार करता हुआ जो दृश्य जो है, ये जो है जगन्नाथ का है। ये किसने बनाया था, तो अकबर के समय जो कलाकार थे जगन्नाथ, उन्होंने उसको चित्रण किया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें, अकबर की अगर बात करें, तो इसलिए कहा गया है कि अकबर के समय जो है सबसे ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम चित्रकार एक साथ कर रहे थे, और अकबर के ही समय जो है सबसे ज़्यादा ग्रंथों की रचना की गई है, जिसमें से आप अकबर के जो ग्रंथ रचना है उनके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। इसको जो है आप देखें, जो ग्रंथ जिस अगर बात करें, तो अकबरनामा, तूतीनामा, हमजानामा, रज्मनामा, इन ग्रंथों को खास करके आपको पढ़ना है। और खास एक बात और ग्रंथ आता है पंचतंत्र, पंचतंत्र के अनुवाद के बारे में भी आपको अच्छे से रीड करना है कि पंचतंत्र जो लेख है वो किस आर्टिस्ट ने उसको चित्रित किया है, और किस जो है फेमस जो पेंटिंग हो कहाँ पर रखा गया है, इसके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। किसके बारे में, आपको अकबर के चित्र के बारे में भी, अकबर के जो चित्र है जो कलाकार थे उस समय के, और चित्र रचना किसने किया है उसके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। यानी कि अकबर के साथ समय की अगर बात करें, तो इनका जन्म होता है 1542 में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1605 में। कब होती है इनकी मृत्यु होती है, तो 1605 में जो है अकबर का मृत्यु हो जाता है। और 1556 से लेकर 1605 के बीच में इनका समय रहता है, शासनकाल का समय रहता है, यानी कि ये जो है शासनकाल अपना चलाते हैं। और इनके मकबरे की अगर हम बात करें, तो इनका जो मकबरा है वो सिकंदराबाद में, और सिकंदराबाद कहाँ पे है, तो आपका आगरा में है। यानी कि अकबर का जो मकबरा जो बनाया गया था वो सिकंदराबाद में बनाया गया, और सिकंदराबाद कहाँ पे है, तो आपका आगरा में है। तो ये आपका मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि अकबर की आत्मकथा कौन सी है, अकबर के समय के जो है आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, अकबर के समय के ग्रंथ कौन कौन से रचना किया गया है, और ग्रंथों की अगर हम बात करें, तो ग्रंथ के चित्रण किस कलाकार ने किया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। सीयूटी के जो भी पैटर्न है अब उसको आप क्रैक कर सकते हो, या एंट्रेंस एग्जाम को आप पास कर सकते हो। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अकबर के समय कलाकार और ग्रंथों की रचना के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और अकबर ही एक ऐसा शासक था, अगर अकबर ही एक ऐसा शासक था जो हिंदू और मुस्लिम, यानी कि अगर हम बात और मुस्लिम जो जो लोग थे, यानी कि कलाकार कह सकते हैं या समाज के लोग कर सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग को एक साथ जो है लेके चलने का प्रयास किया था, वो धर्म चलाए थे जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। इनके बारे में आपको अच्छे से रीड करना है कि उस धर्म के जो ग्रंथ हैं उसका और क्या नाम था, इनके बारे में आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आप क्या आते हैं, अकबर के बाद अगर हम बात करें तो आते हैं जहांगीर। तो जहांगीर के समय, जैसे हमने अकबर को बात किया, तो अकबर के समय जो चित्रकारी की अगर हम बात करें, तो चित्रकारी जो है चरम सीमा पर थी। चित्रकारी की शुरुआत हो स्टार्ट किया गया था, लेकिन पोर्ट्रेट का जो कार्य है वो जहांगीर के समय जो है श्रेष्ठ माना गया है। और जहांगीर के समय को जो क्या कहा गया है, स्वर्ण काल कहा गया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो स्वर्ण काल, स्वर्ण यानी कि जिसमें जो है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, यानी विभिन्न कलाओं का जो है निर्माण, उसको बोलते हैं स्वर्ण काल। और जहांगीर के समय, यानी कि मुगलों में जो जहांगीर होता है, इनके समय जो है स्वर्ण काल कहा गया, क्योंकि इनके समय जो क्या हुआ था, चित्रकारी, मूर्तिकारी, स्थापत्यकार, यानी कि साहित्यकार, विभिन्न कलाओं में जो है अच्छे कार्य हुए, जिनकी वजह से इनको जो है स्वर्ण काल कहा गया है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुगल काल में
मुगल काल के स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो वो आते हैं जहांगीर। ये भी आप बीएचयू के एग्जाम में या अदर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर के समय के कुछ प्रमुख आर्टिस्ट भी रहे हैं जिनको आपको और अच्छे से पढ़ना है। जैसे देखेंगे आप जो अबुल हसन, अबुल हसन का नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे। अबुल हसन जो है एक ऐसा आर्टिस्ट है जो प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाता है, यानी कि प्राकृतिक यानी कि लैंडस्केप जो है सीनरी ज़्यादा बनाता है। और तो उनके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है कि अबुल हसन का जो फेमस पेंटिंग है, जैसे आप देखेंगे बैलगाड़ी, इनकी जो है काफ़ी फेमस पेंटिंग है बैलगाड़ी, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है कि बैलगाड़ी जो चित्र है वो किस संग्रहालय में रखा गया है और इसमें कलर का ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से अध्ययन करना है। दूसरे आपके आर्टिस्ट आते हैं जिसको आप लोग बहुत पढ़े होंगे और स्टार्टिंग से भी पढ़े होंगे, उस्ताद मंसूर, इनको वो जो है पक्षियों के पशु पक्षियों का जो है फेमस कलाकार। आप देखेंगे मुगल काल में पशु पक्षियों का जो फेमस कलाकार होते हैं वो आते हैं उस्ताद मंसूर, इनके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है कि जो बाज जो पेंटिंग बनी हुई है या जो मोरनी का जो चित्र बना हुआ है या तुर्की मुर्गा का जो चित्र बना हुआ है ये कहाँ पर रखा गया है, इसका जो है कार्य करने का टेक्निक क्या था, कलर कैसे यूज किया गया है और ये किस संग्रहालय में रखा गया है, इसके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। और इनका शासन काल कब रहता है, तो 1605 से लेकर 1627 तक इनका जो है शासन काल रहता है। अगर इनके इनके मकबरा, जैसे आप देखेंगे जितने भी आपके मुगल शासक थे उनके मकबरे पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि इनका मकबरा कहाँ पे है, तो इनका मकबरा कहाँ पे है, शाहदरा, शाहदरा में है। और ये शाहदरा कहाँ पे है, तो लाहौर, ये आपके कहाँ पे है, लाहौर। तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि मकबरे के बारे में और ख़ास करके शासक जो थे, जैसे आप जहांगीर की अगर बात करते हैं तो जहांगीर के समय जो है कई ऐसे चित्रकार होते हैं जिनका जो है चित्रकारों का ऊपर अध्ययन करना है। दूसरा आपके आते हैं शासक, यानी कि जहांगीर के पुत्र, जो जहांगीर के पुत्र आते हैं वो आते हैं शाहजहां। तो अगर हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के समय सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का निर्माण हुआ है और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। क्या कहा गया आपका, स्थापत्य कला का, यानी कि देखेंगे तो जो शाहजहां होते हैं शाहजहां के समय में सबसे ज़्यादा जो है स्थापत्य कला यानी कि जो आपके इमारतें हैं उनका निर्माण हुआ है और उसमें सोना चांदी हीरा मोती यानी विभिन्न सामग्रियों का भी उसमें प्रयोग किया गया है, इसलिए इनको जो है इनके समय को जो है स्वर्ण काल कहा गया। अगर क्वेश्चन पूछ दे आपको कि मुगल शासकों में वो कौन सा शासक था जो स्थापत्य कला का नींव रखा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि जो स्थापत्य कला का नींव रखने की बात आती है तो वो रखे थे आपके बाबर। स्थापत्य कला का नींव जो है बाबर रखे थे, लेकिन स्थापत्य कला का जो चरम उत्कर्ष काल रहा यानी कि स्वर्ण काल माना जाए वो रहा है आपके शाहजहां के समय को। तो शाहजहां के समय को अच्छे से आपको पढ़ना है, शाहजहां के समय के जितने इमारतें हैं और जहाँ जहाँ पे हैं उनके बारे में पढ़ना है और ख़ास करके ये पढ़ना है कि वो किस माध्यम में बने हुए हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि शाहजहां का जो जन्म हुआ था वो 1592 में हुआ था। कब हुआ था, 1592 हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1666 में हो जाती है। कब होती है, 1666 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो शासनकाल रहता है वो 1627 से लेकर 1658 तक इनका शासनकाल रहता है। तो आते हैं आपके शाहजहां के समय, तो शाहजहां के समय एक स्थापत्य ऐसा स्थापत्य है जो काफ़ी फेमस है, वो आता है ताजमहल। और ताजमहल कब बना, ताजमहल का माध्यम क्या था, उसमें कितने कारीगर कार्य कर रहे थे और कारीगर को कितने धन को जो दिया गया था, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ताजमहल है वो क्या है, उन क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था। तो आप एक पढ़े होंगे कि जो अर्जुमंद बेगम थी, यानी कि अर्जुमंद बेगम की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पश्चात क्या होता है आपके जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां उनके यादों में जो है आपके ताजमहल का निर्माण करते हैं। तो इनके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है कि ताजमहल जो है, ताजमहल का माध्यम क्या है, ताजमहल की साइज क्या है, ताजमहल में जो है कितने कारीगर कार्य करते थे और ताजमहल को बनवाने में कितना खर्च आया था, इसके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है, खास करके शाहजहां के समय को। शाहजहां के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। दूसरे आते हैं, जैसे आप शासकों की बात करें तो शाहजहां के बाद आते हैं आपके औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा कट्टर मुसलमान होता है जो कला का विरोधी माना जाता है। क्या रहता है, कला का
विरोधी माना जाता है, और औरंगजेब के ही समय में क्या होता है, आपके कला का अंत हो जाता है और जो भी कलाकार होते हैं तो चले जाते हैं, तो इनको जो है यहाँ से निकासित कर दिया जाता है, इनको भगा दिया जाता है। एक बात ये भी होती है कि जब शाहजहाँ होता है, शाहजहाँ के अगर देखा जाए तो शाहजहाँ अपने स्थापत्य कलाओं में सबसे ज़्यादा जो है धन जो है उसमें खर्च कर देता है, जिससे हमारी जो उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो ख़राब हो जाती है। इससे भी औरंगजेब परेशान होकर आपका जो है कलाकारों को आश्रय देना ये सब चीज़ें छोड़ देता है, और इससे क्या होता है कि कला का अंत हो जाता है और कला का विरोधी है। तो ये रहा आप जो है मुगल काल के बारे में, कि मुगल काल के पूरे अगर ओवरऑल हम बात करें तो तीन बातों का ध्यान देना है। मुगल काल का इतिहास को न पढ़ते हुए कला का इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मुगल काल के इतिहास को न पढ़ते हुए कला का इतिहास पढ़ना है, क्योंकि हम लोग फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, खास करके विजुअल आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो हमें वो पढ़ना है कि किस शासक के समय कौन से आर्टिस्ट रहे हैं, कैसा कार्य हुआ है, कैसा स्थापत्य हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो मुगल काल ही एक ऐसी कला होती है जिसमें जो है दरबारी कला, यानी कि मुगल कालों में जो भी आर्टिस्ट काम करते हैं वो खास करके व्यक्ति चित्र या पोर्ट्रेट का कार्य होता है और दरबारों में कार्य होता है, यानी कि जो भी आर्टिस्ट कार्य करते हैं वो दरबारों के लिए कार्य करते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। और मुगल काल का जो है शुरुआत कैसे होता है, मुगल काल की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो मुगल जो बाबर थे वो ईरान से आए हुए थे, और ईरान जब आते हैं तो ईरान और भारतीय जो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो मुगल काल की शुरुआत होती है। इस बातों का आपको अच्छे से अध्ययन करना है और एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से अध्ययन करना है। तो ये रहा आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि आपका मुगल। इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्कनी के बारे में, कि दक्कनी शैली की शुरुआत कैसे होती है, दक्कनी शैली में जो क्या क्या विशेषता है उनके बारे में हमको अच्छे से अध्ययन करना है। तो सेकेंड यूनिट का जो आपका मुगल काल है, मुगल काल में ये तो आपका सेकेंड यूनिट के अंदर आपका मुगल काल और दक्कनी के बारे में पढ़ना है। तो मुगल काल के बारे में आपको बताया कि मुगल काल की क्या विशेषताएं के बारे में पढ़ना था और चित्रकारों के बारे में पढ़ना था, ये आपको हम बता चुके हैं। सेकेंड में आपको उसी में आता है यूनिट में आपका दक्कनी के बारे में पढ़ना है, कि दक्कनी की शुरुआत कैसे होती है, दक्कनी का उद्भव कैसे होता है, और कौन कौन से चित्रकार हैं और क्या इनकी चित्रों की विशेषता रही है, उनके बारे में खास करके पढ़ना है। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे कि जो आपका दक्कनी शैली है इसके संस्थापक, यानी कि जो गोलकुंडा पढ़ते हैं, हैदराबाद पढ़ते हैं, इन जगहों को पढ़ते हैं, बीजापुर को पढ़ते हैं, तो इनके संस्थापक कौन है। जब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अंदर की चीज़ों को भाई आप समझ पाएंगे कि संस्थापक ये रहे होंगे तो कलाकार भी ये रहे होंगे, तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो आप एकदम क्लियर पढ़ेंगे और सही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ आपको बता दें सिलेबस के बारे में कि दक्कनी में आप कैसे पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो वो आपका है जैसे आप दक्कनी स्कूल, तो दक्कनी स्कूल की अगर हम बात करें तो जैसे बीजापुर आता है, तो अगर बीजापुर की अगर हम बात करें तो बीजापुर के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। कौन होते हैं? सुल्तान यूसुफ आदिल शाह जो है इसके संस्थापक होते हैं। कौन होते हैं? सुल्तान यूसुफ शाह इसके संस्थापक। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीजापुर के जो है किस वंश के लोग इसको बनवाए थे, तो वंश की अगर बात करें तो आदिल शाह वंश। कौन सा आता है? आदिल शाह वंश आपका आता है, यानी कि संस्थापक का नाम क्या आता है? तो सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, यानी कि आदिल शाह वंश। दूसरा आपको जो है अहमदनगर के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? अहमदनगर के बारे में आपको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। इसकी अगर हम बात करें इसके संस्थापक आपके कौन होते हैं, तो मालिक अहमद। कौन होते हैं आपके? मालिक अहमद। इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि मालिक अहमद के अंतर्गत देखा जाए तो कौन से चित्रकार हैं, उनकी चित्रकारी कैसे थी, और जो है ये चित्र जो है कहाँ पे संग्रहित है, इसके बारे में आपको भी इसको अच्छे से अध्ययन करना। अगर वंश की बात करें तो निजाम शाही वंश। कौन सा वंश था आपका? तो निजाम शाही वंश आपका था, यानी कि अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने किया, संस्थापक थे, और ये वंश कौन सा था? तो निजाम शाही वंश आपका था, यानी कि निजाम शाही वंश के अंतर्गत आपको हर चीज़ों को अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है गोलकुंडा। गोलकुंडा के बारे में खास करके आपको पढ़ना है कि गोलकुंडा की जो संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह। कौन थे आपके? कुली कुतुब शाह थे। इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और वंश कौन सा था? तो कुतुब शाही वंश, यानी कि इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर देखा जाए तो गोलकुंडा की अगर हम बात करें तो गोलकुंडा, जो गोलकुंडा है आपका, इसके अंदर एक आपका चित्र बहुत ही फेमस है, जैसे चांद बीबी पोलो।
यानी कि चांद बीबी चौगान में, यानी कि क्या उसमें चित्र की क्या विशेषता क्या है इसके, तो देखेंगे कि घोड़े पे खेला जाने वाला एक खेल होता है, यानी कि उसको बोलते हैं चांद बीबी पोलो या चौगान, उसको बोलता है, यानी कि एक घोड़े पे क्या हो रहा है गेंद के साथ यानी कि बल्ले के साथ खेला जाता है, ऐसा चित्र भी आपको देखने को मिल सकता है। ये चित्र आपके एग्जाम के पॉइंट से फेमस है, यानी कि चित्र का नाम क्या है आपका, चांद बीबी पोलो, यानी कि चांद बीबी पोलो का जो चित्र है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये क्या है इसके बारे में पढ़ना है कि ये चित्र किसने बनाया, ये चित्र का जो है संग्रह कहाँ पर रखा गया है, इसमें रंग कैसे यूज किए गए हैं, तो इस चित्र के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। किसको, चांद बीबी पोलो के बारे में आपको बीजापुर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आपका हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में एक चित्र आपका आता है हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो का, ये चित्र बड़ा फेमस है आपका, यानी कि इसमें जो है हैदराबाद में हैदराबाद के एक संग्रहालय भी है, और आप देखेंगे चार मीनार, आप हैदराबाद में चार मीनार है तो इनके बारे में भी पढ़ना आपको, खास करके आपको पढ़ना है कि चार मीनार की विशेषता क्या रही है, चार मीनार के संस्थापक कौन रहे हैं, इसके निर्माणकर्ता कौन कौन थे, ये चार मीनार जो है माध्यम में कैसे बना हुआ है, इसके बारे में आपको खास करके पढ़ना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो आपका हैदराबाद, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। खास करके यहाँ पे एक चित्र है आपका काफ़ी फेमस है, नर्तकियाँ, नर्तकियों का जो चित्र है ये फेमस है, इसके बारे में आपको अच्छे से, यानी कि नर्तकियों का जो चित्र है वो कहाँ का है, तो हैदराबाद से प्राप्त हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से रीड पढ़ना है। यानी कि ये रहा पूरा पूरा आपका मुगल और दक्कनी का सिलेबस, पूरे तो चैप्टर को हम बता नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि टाइम तो लगेगा, तो हमने आपको एक तरीका बता दिया कि कैसे आपको एग्जाम पास करने के लिए जो है कैसे शॉर्टली पढ़ा जाए, किन किन बातों पर ध्यान दिया जाए कि आप आसानी से जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये रहा आपका, अगर इस फार्मूले पर अगर फॉलो करते हैं, किसी बुक का सहारा लेते हैं, किसी बुक से आप पढ़ पाते हैं, अगर आप देखिए कहीं गोलकुंडा लिखा हुआ है, कहीं हैदराबाद लिखा हुआ है, बहुत से ऐसे बुक आपके पढ़ी हुए हैं, उन बुकों में अगर आप अच्छे से रीड करते हैं इन पॉइंटों पे, तो निश्चित से आप जो है उसमें सफल होंगे और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार का। तो ये आपका नया सिलेबस है और आपको हम अच्छे से बता चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो यूनिट होगा, जो थर्ड यूनिट होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसके जो यूनिट के अंदर हमारा जो है कलाकार भी हैं और आपके चित्रकार भी हैं, नए आधुनिक कलाकार हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा वीडियो अभी आपको मिल जाएगा थर्ड यूनिट। तो आप सभी के रिक्वेस्ट से मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है, ऑलरेडी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे आप जाके मेरे इंस्टा पे जाके आप देख सकते हो, लेकिन आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने कम समय में बहुत बेहतर एक प्लान के साथ आपको हम देने वाले हैं थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल, जिसमें से आपको हम 40 से 45 टेस्ट सीरीज पेपर आपको देंगे, तो आपको उसके बेहतर से बेहतर आपका होगा CUT बेस पे होगा, खास करके आपका जो नया सिलेबस है उसके लेवल पे जाकर हमने इस प्लान को क्रिएट किया हुआ है और आपको हम देना चाहते हैं, जिससे आप लोग जो है घर बैठे आप स्टडी कर सकते हो, और जो भी इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है 9454511829, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हो। जिनको ऑफलाइन क्लासेस करना है तो वो मेरे इंस्टा आईडी को जाके आप देख सकते हो, या आप ये भी देख सकते हो कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं, इसका आईडी है आपका चित्रांकन फाइन आर्ट स्टडी सेंटर, इस पर आप जाके देख सकते हो कि कैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए।